नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। इस बार सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जहां एक तरफ पूर्वांचल में 125 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने अपने ही सीट पर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है। राजभर गठबंधन भले ही कर लिए हों खास करके समाजवादी पार्टी से, लेकिन अब सवाल ये है कि राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से 2017 में चुनाव जीते थे, तब उनकी पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उन्होंने खास करके 18,000 से अधिक वोटों से जीत मिली थी, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं है। जहूराबाद सीट पर इस बार ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण राजभर और बसपा उम्मीदवार शादाब फातिमा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राजभर को इस बार बसपा और बीजेपी उम्मीदवार से कांटे की टक्कर मिल रही है। अब आपको बताते चलें कि कालीचरण राजभर पिछली बार इस सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कालीचरण 2002 और 2007 में ही इस सीट पर कब्जा जमा चुके हैं। वे दोनों बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। शादाब फातिमा भी सपा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, जिन्हें इस बार बसपा ने टिकट दिया है। वहां की जनता का कहना है कि मंत्री रहते फातिमा ने इस क्षेत्र का काफी विकास कराया, जनता उन्हें उनके कामों के लिए जानती है। बता दें कि इस सीट पर राजभर मतों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसके दम पर ओम प्रकाश ताल ठोक रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने थे। इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना था, जिसमें 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अंतिम और 7वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी के साथ नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन न्यूज़।